हेलो एवरीवन, आज थोड़ा लैपटॉप के अंदर वर्क किया और उसके बाद में आज हमने मंगाया है ये माइक जो कि आज डिलीवर हुआ था घर पे। बट सीन ऐसा हुआ कि ये माइक है जो कि वॉइस क्वालिटी के लिए मैंने मंगाया था कि अच्छी क्वालिटी हो तो आप लोगों को भी सुनने में मज़ा आएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो। तो इसका जो पिन है वो सी टाइप का है कि आप लोग जानते हैं मेरे पास आईफोन है तो इसके अंदर ये सेट नहीं हुआ तो भी वापस रिटर्न की एप्लीकेशन डाली। 47 बाद में आएगा लेके जाएगा, दूसरा देके जाएगा, तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा अपन को। अब इसको पैक कर देते हैं, पैकिंग भी कुछ इस तरीके से आई थी इसकी। आज मैं जो कर रहा था वो दिखाता हूँ आपको। तो भी एक डिजिटल पोर्ट्रेट बनाया था, डिजिटल पेंटिंग बनाया था जो डिजिटल आर्टवर्क बोलते हैं। तो ये अपना लैपटॉप है, तो अभी लैपटॉप खोल लेते हैं और इसके अंदर जो आपको महापुरुष दिख रहे हैं उनका हम लोग डिजिटल ऑयल पेंटिंग बना रहे हैं जो कि फोटोशॉप के अंदर पूरी प्रोसेस रहती है कि फेस टू फेस हमको डिजिटली पेंट करना पड़ता है, हर एक एक चीज़ पेंट होती है। तो ये उनके लिए बना रहे हैं। तो जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो बना हुआ आर्टवर्क है, डिजिटली बन चुका है पूरा का पूरा। बट इसमें जो मैं करेक्शन कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, वो करेक्शन कर रहा हूँ। आप फेस की डिटेलिंग देख सकते हो, माला की डिटेलिंग देख सकते हो और नीचे जो गद्दा और जिनके ऊपर बैठे हुए हैं तो उन सबका वो देख सकते हो। तो अभी हम लोग गद्दे को थोड़ा सा ठीक करेंगे, जो कुछ पोर्शन है वो ठीक नहीं है। तो अभी इसके अंदर जो मेथड जा रही है ना, मैंने एक ब्रश ली हुई है वो वाइट वाइट कलर का जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है जिससे मैं कर रहा हूँ ब्रश से, तो वो डिजिटली ब्रश है जिससे दो कलर आपस के अंदर मर्ज हो जाते हैं। तो बहुत प्रोसेस तो बहुत पीसफुल वाली है, बहुत लेंदी भी प्रोसेस है और बहुत और ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आर्ट सीखना थोड़ा हार्ड रहता है बट इतना कुछ हार्ड नहीं रहता, आप भी सीख सकते हो। तो अभी ये जो मैं दूर करके देख रहा हूँ कि पैर के पास जो वाइट वाइट वाला पोर्शन है गद्दे के ऊपर वाइट वाइट सा दिख रहा है तो वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको हमको छुपाने के लिए सिलेक्शन का टूल लिया है फोटोशॉप के अंदर, बहुत सिंपल है। तो हम सिंपल सा जिनके ऊपर बैठे हुए उसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक बार के अंदर वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। तो आप भी अगर करना चाहो तो घर पे कर सकते हो और फिर सिंपल सा हम लोग एक कलर लेंगे जो हमको करना है वाइट की जगह पे, तो बस उसको हम लोग ब्लेंड कर देंगे अंदर की तरफ तो हो जाएगा। वैसे तो ये आर्टवर्क वगैरह बनाना बहुत सिंपल रहता है, बस स्किल का थोड़ा सा रहता है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करोगे ना तो आपको आ जाएगा। और बस मैं तो यही बोलूँगा कि आर्ट करो यार, बहुत पीसफुल और शांति मिलती है। और जो भी आपको मेंटल हेल्थ का कोई इशू वगैरह है, कुछ स्ट्रेस एंग्जाइटी, तो वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है लोगों का। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा वापस से कि आर्ट बनाओ, कुछ ना कुछ बनाओ, भले से आपका फील है नहीं है ये, बट आप बनाते रहो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अभी हमको एक जो कलर चाहिए था प्योर रेड वाला जो कि थोड़ा ऑरेंजिश टाइप है, तो वो कलर हमारे पास था नहीं, तो पहले तो वो कलर कर दिया और उसके बाद में साइड में डार्क टोन कर दिए और अभी उन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ मैं। तो बहुत प्यारा कलर लग रहा है और बहुत अच्छा टोन लग रहा है। तो अभी जैसे वो वाइट वाला है ना तो उसको भी मैं ऐसे करके छुपा दूंगा तो वो और भी अच्छा लगे। तो भाई 3 घंटे इसके ऊपर बैठ के काम करने के बाद में क्लाइंट ने भी उसको पसंद आया, अच्छा लगा, उन्होंने कहा ठीक है डन है। एंड मैं अपने हिसाब से अभी कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि हाथ के लिए स्केचेस किए थे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो इम्परफेक्ट है चीज़ें, जैसे आउटलाइंस वगैरह अभी इनको परफेक्ट कर रहा हूँ। ओके चिंता मत करो, ये मेरा लॉक का पार्ट है। कंटिन्यू करो। यहाँ पे है ना, इसको कुछ ट्रे आपको वो लगवाना पड़ेगा, ये वाला ना, बस ये वाला। हाँ बस बस बस, ये मिनर या पत्थर जो भी लगा देंगे पड़ेगा। ये इतना बहुत हो गया मेरा, आपको मैं राउटर दिखाता हूँ। तो यार जंजीम बोल ले रहे मेरी, तो चालो तो कर भैया आदमी को। तो ये हमारा स्टोर रूम, तो अभी हम लोग घर पर वाईफाई लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल के नेट का इशू है, थोड़ा ख़त्म हो जाता है। और दूसरा पहले GTPL का लगवाया था बट वो बहुत बेकार उसकी सर्विस थी, इसके लिए हमने 3 स्टार का भी बुलवाया है उनका, उनकी सर्विस लेके देख लेंगे कैसा है। अभी देखते हैं फाइनली इतना लंबा लाइन है क्या है। फिर चालू होने में कितना टाइम लगेगा? वो तो 10 मिनट है ना। पानी वानी पियोगे आप? नहीं पानी यहाँ पिला।